દિલ્હી હિંસામાં જે લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા તેમાં ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના કર્મચારી અંકિત શર્માનો પણ સમાવેશ થાય છે. અંકિત શર્માના પરિવારે આક્ષેપ કર્યો કે આમ આદમીના કોર્પોરેટર હાજી તાહિર હુસેનનું જ આ કારસ્તાન છે, જેની તપાસ દરમિયાન તાહિર હુસેનના ઘરની અગાસી પરથી પેટ્રોલ બોમ્બ, ગિરોલ, ઈંટ અને પથ્થર મળી આવ્યા. આ બધું એવા સમયે મળી આવ્યું જ્યારે તાહિર સામે અહીંથી પથ્થરમારો કરવાનો આરોપ લાગ્યો છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે સોશિયલ મીડિયામાં એક વિડીયો વાયરલ થયો જેમાં કેટલાક ઉપદ્રવ્યો છત પરથી પથ્થર અને પેટ્રોલ બોમ્બ વરસાવતા નજરે પડે છે. જાણવા મળ્યું છે કે જે મકાનની છત પરથી હુમલો થઈ રહ્યો હતો તે મકાન મુસ્તફાબાદ વિધાનસભામાં નહેરુ વિહાર પૂરથી આમ આદમી પાર્ટીના કોર્પોરેટર તાહિર હુસેનનું છે. इस वक्त हम मौजूद हैं मौजपुर चौक पर, जहां आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को काफ़ी तादाद में यहां पर तैनात किया गया है. आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां पर सोमवार और मंगलवार के दिन जमकर हिंसा हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, आगजनी हुई थी. लेकिन बुधवार और गुरुवार की बात की जाए तो यहाँ पर इलाके में शांति है. पुलिस का कहना है कि छुटपुट घटनाओं की खबर जो है वो मिल रही है, लेकिन कोई भी बड़ी हिंसा जो है इलाके में नहीं हुई है. गुरुवार सुबह की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में पुलिस फोर्स है. इसी तरह की तस्वीरें जो हैं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के हर कोने में देखने को मिल रही है. उस बात की जाए करावल नगर की, मौजपुर की, जाफराबाद की, गोकुलपुरी की, हर जगह पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है. इलाके में पूरी तरह से शांति जो है वो बनी हुई है. गुरुवार की सुबह की बात की जाए तो पुलिस को अभी कोई भी हिंसा की खबर जो है वो नहीं मिली है. पुलिस का कहना है कि सामान्य जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो की जा रही है. यहाँ पर आप आज गुरुवार सुबह की तस्वीर देख सकते हैं कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, दुकानें जो हैं वो खुल रही हैं जो कि बुधवार को बंद थी. सामने मिठाई की दुकान थी जो बंद कर दी गई थी, ये पूरी जो मार्केट है ये बंद थी, लेकिन आज गुरुवार की सुबह मार्केट की दुकानें जो हैं वो खुलने लगी है. तो साफ है कि इलाके में पूरी तरह से शांति है. पुलिस पुख्ता इंतजाम जो है वो किए हुए हैं, जिसके चलते लोग जो हैं राहत महसूस कर रहे हैं. कम से रोहित के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारत.